सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले फ्लेमिक्लेव आईवी 1.2 ग्राम इंजेक्शंस के बारे में। फ्लेमिक्लेव आईवी 1.2 ग्राम इंजेक्शंस का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिनों के यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन अलग है और किस प्रकार काम करता है, और बैक्टीरिया इन्फेक्शन में दिए जाने वाला इंजेक्शन इतना यूजफुल क्यों है। तो फ्लेमिक्लेव आईवी 1.2 ग्राम इंजेक्शंस के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किए या आप ही आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप पर एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं फ्लेमिक्लेव आईवी 1.2 ग्राम इंजेक्शन, जो कि हमारे पास एक 20 ml का वायल है, जिसकी MRP की बात करें तो इसकी MRP 137 यानी कि 137 रुपये के करीब इसकी MRP है। फ्लेमिक्लेव आईवी 1.2 ग्राम इंजेक्शन को FDC लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक नामसेंस कंपनी है और बहुत सारे एलोपैथिक्स मेडिसिन भी बनाती है। फ्लेमिक्लेव आईवी 1.2 ग्राम इंजेक्शन के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल से कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लाउनेट इंजेक्शन आईपी बोले तो इंडियन फार्माकोपिया, ये इसके अंदर डाले गए हैं। यानी कि फ्लेमिक्लेव आईवी 1.2 ग्राम इंजेक्शन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसके पावर ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके अंदर जो एमोक्सिसिलिन है वो 1000 mg प्लस क्लाउनिक एसिड 200 mg इसके अंदर डाले गए हैं। फ्लेमिक्लेव आईवी 1.2 ग्राम इंजेक्शन का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए ये इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल फेफड़ों जैसे कि न्यूमोनिया, कान, नेजल, साइनस, मूत्रमार्ग और तफसा और मुलायम उत्तक के इन्फेक्शन के इलाज के लिए ये इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लेमिक्लेव आईवी 1.2 ग्राम इंजेक्शन का डोज की बात करें तो इसका डोज आपकी एज और वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है और वेट कितना है, और ये इंजेक्शन का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। अगर आप इसका इस्तेमाल कंटिन्यू बेस पे कर रहे हैं, यानी कि अपने डॉक्टर की देखरेख में नहीं करें, कंटिन्यू बेस पे इसका इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि इसके ओवरडोज के कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे कि आपको वोमिटिंग हो सकता है, आपको मिसली आना हो सकता है, आपको डायरिया दस्त हो सकती है, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। फ्लेमिक्लेव आईवी 1.2 ग्राम इंजेक्शन किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क फ्लेमिक्लेव आईवी 1.2 ग्राम इंजेक्शन। फ्लेमिक्लेव आईवी 1000 mg/200 mg यानी कि इसके अंदर दो दवाई रहती है, यानी कि एमोक्सिसिलिन 1000 mg प्लस क्लाउनिक एसिड 200 mg। एमोक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक्स दवाई है, ये बैक्टीरिया प्रोटीन कवरिंग के निर्माण को रोककर काम करता है जो बैक्टीरिया के जीवित रहने के लिए नेसेसरी है। क्लाउनिक एसिड एक बीटा लैक्टेमेस इनहिबिटर है जो रेजिस्टेंस को घटाता है और बैक्टीरिया के खिलाफ एमोक्सिसिलिन की गतिविधि को भी इंक्रीज करता है। फ्लेमिक्लेव आईवी 1.2 ग्राम इंजेक्शन का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए। अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है या कोई पेशेंट जो कि एल्कोहल का कंज्यूम करता है या कोई पेशेंट जिनको लीवर या किडनी से जुड़ी कुछ डिजीज है, तो इन कंडीशन में फ्लेमिक्लेव आईवी 1.2 ग्राम इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करें। फ्लेमिक्लेव आईवी 1.2 ग्राम इंजेक्शन को यूज करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन से फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इंजेक्शन का इस्तेमाल करें। अपने मन से फ्लेमिक्लेव आईवी 1.2 ग्राम इंजेक्शन का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। तो फ्लेमिक्लेव आईवी 1.2 ग्राम इंजेक्शन के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारी कमेंट सेशन बताएं, अदरवाइज डिस्कशन में ईमेल आईडी दी है वहां पर बताएं। फ्लेमिक्लेव आईवी 1.2 ग्राम इंजेक्शन का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोस। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी इंजेक्शन या वाइल का इस्तेमाल करने के पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।